Hello guys and welcome to Manual Education. So we are back with another video of CMAT score accepting colleges. Noida walo khush ho jao, is baar aapki bari. So today in this video, we gonna look at the colleges in Noida that will accept the CMAT score और कौन से colleges आप target कर सकते हो अगर आप आपका MBA pursue करना चाहते हो through CMAT. अगर आप Noida से हो या फिर Noida उत्तर प्रदेश जाकर आप आपकी MBA degree pursue करना चाहते हो. So stay tuned in this video. But before we move on, we have already launched the batches for the year 2023 and 24, where you get live classes and classroom session, books and e-books, shortcut tips and tricks, doubt classes, recorded videos, topic-wise test, full-length and sectional mock test. You will be added to a WhatsApp group. You will be solving 10,000 plus questions and you get a proper mentorship. And as per the college selection process, you will also be guided for the GD, VAT and PI rounds. Along with the CMAT examination, you can always target for the CAT, MBA, CET, SNAP, ZAT, IIFT and various other MBA examination. If you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Dadar, Borivali and Vasai. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455 or else you can visit the official website www.manuaredu.com for more information. Now let's start with the video. सो जो पहला इंस्टीट्यूट निकल कर आता है वो है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है. अगर आप कैंपस की तरफ नज़र डालो तो काफ़ी बढ़िया कैंपस है. अच्छी प्लेसमेंट्स आपको मिल रही है. फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो 11.75 लाख की आपको मिल रही है पूरे दो साल की. तो काफ़ी मिनिमल फीस स्ट्रक्चर मैं इसको कहूँगा, क्योंकि MBA कॉलेजेस अगर आप कोई टारगेट कर रहे हो या फिर कोई भी टॉप 20 स्कूल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कहीं भी 12 लाख से 18 लाख या फिर 20 लाख तक भी जा सकती है. हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज आपको 18 लाख का मिल रहा है यहाँ पर. अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 8 से 10 लाख तो आपके कहीं नहीं गए. एस्टैब्लिश हुआ था 2004 में हिंदुस्तान यूनिलीवर, डेलॉयट, ICICI, फ़ोनपे, HCL, बिस्लरी, अमूल, HSBC, ITC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको यहाँ पर रिक्रूट करने आएंगी. स्कोप काफ़ी अच्छा होने वाला है आपको, तो जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दो. सेकेंड जो कॉलेज है वो है MET बिजनेस स्कूल, ABS, एप्स इसको बोला जाता है. वो वाले ऐप्स नहीं जो आप सोच रहे हो, वो वाले ऐप्स आपको अच्छी पर्सनालिटी देंगे, ये वाला ऐप आपको अच्छा पैसा देगा. फीस स्ट्रक्चर 6.8 लाख से लेकर 14.82 लाख तक की जा सकती है. इसमें वेरियस प्रोग्राम्स मिलते हैं, इस करके इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर हर एक प्रोग्राम के हिसाब से डिफर करेगी. दो साल की फ़ीस होगी आपकी है और बहुत ही मिनिमल मैं बोलूँगा. इंस्टीट्यूट और कैंपस के अकॉर्डिंगली इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी मिनिमल है, क्योंकि 7 लाख में MBA बहुत ही कम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट आपको करवाते हैं. हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 12.40 लाख पर एनम का यहाँ पर आपको प्लेसमेंट पैकेज भी मिल रहा है, तो और क्या ही चाहिए. एस्टैब्लिश हुआ था 95 में, पुराना कॉलेज भी है. कोका कोला, CNBC, डाबर, इन्फोसिस, एक्सचेंजर, एक्सिस बैंक एंड अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आपको यहाँ पर भी रिक्रूट करती है. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. तो जो थर्ड कॉलेज निकल कर आता है वो है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च. फीस स्ट्रक्चर 6.12 लाख की पूरे दो साल के लिए आपकी, अगेन एक मिनिमल कॉस्ट. हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 19 लाख रुपए, आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा आपको प्लेसमेंट पैकेज यहाँ पर मिलने वाला है. अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 8 से 10 लाख कहीं नहीं गए. 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था. कोटक, HCL, फ्लिपकार्ट, येस बैंक, हीरो, HDFC, विप्रो, पेटीएम, खिमजी रामदास जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर रिक्रूट करेगी. और एक बार कैंपस पे नज़र डाल दो, जिस तरह का कैंपस है उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा मिनिमल है. तो ये तो डेफिनेटली आप टारगेट कर ही लो. द नेक्स्ट इज़ बेनेट यूनिवर्सिटी, अनदर पॉश यूनिवर्सिटी, अनदर डिसेंट यूनिवर्सिटी. 5 लाख से लेकर 7.5 लाख की आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकती है पूरे दो साल की, तो अगेन एक मिनिमल कॉस्ट. हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 20 लाख पर एनम का, तो आपकी फ़ीस से 2 गुना ज़्यादा. एस्टैब्लिश हुआ था 2016 में. फ़ोनपे, टाटा पावर, HDFC बैंक, इंडिया मार्ट, एडोबी, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर भी आपको मिल जाती है. तो अगेन कम फीस में ज़्यादा ROI, डेफिनेटली बेनेट यूनिवर्सिटी. द नेक्स्ट इज़ IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ नोएडा. 8 लाख की आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होने वाली है दो साल की. 12 लाख का आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज मिलने वाला है. एवरेज की मैं बात करूँ तो 6 से 8 लाख रुपए आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे. तो मतलब जितना आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है उतनी आपको एवरेज पैकेज मिलने वाली है. 12 लाख का यहाँ पर आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज मिल रहा है. अगर आपका रिक्रूटिंग अच्छा हुआ, आपकी इंटरव्यू अच्छी गई और आपको बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिला तो हो सकता है ये 12 लाख से भी ऊपर जा सकता है. एस्टैब्लिश हुआ था 98 में. अमेजोन, ICICI बैंक, डेलॉयट, HDFC, PNB, मेट लाइफ इंश्योरेंस,
चांस ही चांस है आपको 12 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पैकेज मिलने की, तो डेफिनेटली इसको भी आपको टारगेट करना ही चाहिए। द नेक्स्ट इज़ जेपी बिजनेस स्कूल, JBS, 9.38 लाख की फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकती है आपकी 2 साल की। तो अब तक जितने भी हमने कॉलेजेस देखे, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट हमको ऐसा मिला जिसकी फ़ीस 10 लाख से ऊपर गई हो, बाकी जितने भी हमने इंस्टीट्यूट देखे उन सबकी फ़ीस 10 लाख से नीचे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी रैंकिंग्स कम है या फिर इसमें प्लेसमेंट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलेगा आपको या फिर इसमें आपको स्कोप नहीं मिलेगा, एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ये सारी मिथ होती है कि जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो उसमें आपको अच्छा प्लेसमेंट या फिर अच्छा फ्यूचर नहीं है। कम फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज भी आपको अच्छी फ्यूचर दे सकते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 20 लाख पर एनम का, एवरेज की मैं बात करूँ तो 6 से 8 लाख ईजिली आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था HCL, जारो एजुकेशन, लीडो, बर्जो पेंट्स, होंडा, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर भी आपको मिल रही है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक अच्छा स्कोप है। द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज BIT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5.6 लाख का आपका फ़ी स्ट्रक्चर 2 साल के लिए, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 12 लाख, ऑलमोस्ट डबल आपको यहाँ पर पैकेज मिल रहा है। 95 में एस्टेब्लिश हुआ था, अपस्केल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्र, ICICI बैंक, भारती एयरटेल एंड डेलॉयट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर भी मिल रही है। तो हमेशा कॉलेजेस वैसे टारगेट करो जिनकी फ़ी स्ट्रक्चर आपको कम मिले और उसमें आपको बेटर ROI मिले, और ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करने के लिए आपको चाहिए अच्छा परसेंटाइल, और परसेंटाइल अच्छा स्कोर करने के लिए आपको चाहिए अच्छी प्रिपरेशन। एंड प्रिपरेशन के लिए अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो आप हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हो, बोरीवली, वसई एंड दादर, और अगर आप मुंबई के बाहर रहते हो पैन इंडिया लेवल आप हमारे लाइव क्लासेस चेक कर सकते हो, और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर 8828581455। एज यूजुअल डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe the YouTube channel for regular exam updates and notification. Till then, take care and prepare well.